welcome back once more, it's you there, and you are watching my channel DUP classes. एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन. आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स स्पीच, जो हमने शुरू कर दिया था, पिछली बार परिचय दिया था. आज हम आपको आगे बताएंगे कि पार्ट्स स्पीच और क्या क्या चीज़ इसमें आती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स स्पीच क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, सिंपली डिविजन ऑफ वर्ड्स into different kinds or classes according to their meaning or function that they do in the sentence is called parts of speech. This number is totally 9. उन्होंने बताया था जो number कितनी है इसकी, 9 है. आज हम उसका discuss करेंगे 1 by 1. और अभी परिचय का एक पार्ट है. पहला है noun. कुछ बताया था किसने, हमने बताया था कुल noun, कुल 9 है. पहला noun, second noun, third we have adjective. Then we have verb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and article. ये आपके 9 हैं. वन बाई वन करके हम आपको समझाने जा रहे हैं. पहला है noun, जो बहुत काम का चीज़ है, बेसिक चीज़ है. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारे बच्चे सबको ये जरूरी है. इसे आप देखें, अक्सर यही चीज़ें पूछी जाती है जब आप कभी इंटरेस्ट देने जाते हो. कोई भी आपका टेस्ट लेता है, नाउन पूछे व्हाट इज नाउन, डिफाइन प्लीज, प्लीज डिफाइन नाउन. या पूछेगा व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज प्रीपोजिशन. जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब कोई आप इंटरेंस एग्जाम देने जाते हो या कोई आपका इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहता है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसे आप समझिए क्या है, काम आएगा, चाहे आप कॉम्पिटिशन देने जा रहे हो, चाहे एकेडमिक सेशन यानी 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहे हो, या अपने नॉलेज के लिए विशेषकर आप अगर सीखना चाहते हो, ये चैप्टर आपके लिए खतरा से इम्पोर्टेंट है. तो देखिए पहला है नाउन. नाउन क्या है, हमारे किसी स्टूडेंट ने अभी आज ही कमेंट किया था, उसका बात हम ध्यान में रखते हुए उसने कहा था सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए. बेटा फास्ट पढ़ाने की बात मत करो आप, अगर हम फास्ट की बात करेंगे तो एक दिन में हम आपका 2 घंटे में पूरा ग्रामर आपको पढ़ा देंगे हम, लेकिन कोई समझ कोई फायदा उससे नहीं होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा. चूँकि हज़ारों भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमने अपनी स्पीड में पूरा पढ़ना शुरू कर दिया तो बताइए 2 घंटे में पूरी महाभारत ख़त्म हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा उससे. उसे कुछ फायदा नहीं होगा, इसे आप लोग समझ लें. सॉरी देयर इज लैग प्रॉब्लम, सो ऑनली ओनली आई एम स्पीकिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, फीलिंग, कंडीशन, क्वालिटी एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन. सिंपली नाउन नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. सपोज राम, गीता, मोहन, इंडिया, जापान, दीज आर वर्ड नाउन्स. ओके, सेकेंड वी हैव प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन, द वर्ड used in place of a noun is called a pronoun. वह word जो किसी noun के place पर use किया जाता है उसे कहते हैं pronoun. For example, Ram is a boy, he goes to school daily. Geeta is a girl, she reads well. हमने कहा Ram is a boy, he goes to school daily. तो Ram के place पर हमने he का use किया, क्योंकि Ram क्या था, noun था. ठीक है, Ram क्या रह गया, यानी कि he क्या हो गया, नाउन हो गया. असल में हम प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब हम कोई चीज़ जो है बार बार यूज करने से बचना चाहें, यानी बोरियत से बचने के लिए हम इसके बेस पर यूज करते हैं प्रोनाउन का. राम इज ए बॉय, राम गोज टू डेली, राम प्ले टू बॉल, राम प्ले टू गर्ल, राम ओपन द डोर, राम राइट लेटर, राम सिंग सॉन्ग, राम यूज फूड. बार बार एक वर्ड वो नाउन कहने से थोड़ा बोर महसूस होता है, उसके बचने के लिए हम नाउन का यूज करते हैं, क्वालिफिकेशन का यूज करते हैं. अगर हम कहें राम इज ए बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही प्लेज़ फुटबॉल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही राइट्स अ लेटर, ही रेस्पेक्ट्स हिज टीचर, थोड़ा सा आपको बोलने में आसानी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बोरियत से बच रहे हो, इसी का नाम है प्रोनाउन. फाइन, नाउ थर्ड वन इज एडजेक्टिव.
द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और एक नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, गीता इज ए नाइस गर्ल, गुड बॉय, बॉय क्या है नाउन है, उसके पहले गुड आया, यानी बॉय नाउन की विशेषता किसने बताया, गुड ने बताया, तो गुड क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए नाइस गर्ल, गर्ल क्या है नाउन है, उसके पहले क्या आया नाइस, नाइस क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि गर्ल जो नाउन विशेषता नाइस बदला रहा है। उसके बाद बात करते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो आएगा वर्ब, वर्ब क्या है एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब सिंपली, और कंप्लीट डिफिनेशन इफ यू वांट टू टेक अ बीइंग और डूइंग और हैविंग वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब। जो किसी कार्य को शॉर्ट में जान लीजिए, जो किसी कार्य को करना है होना करे उसे नाउन सॉरी उसे वर्ब कहते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच एक एक्शन कुछ वर्ड है वर्ब हो गया, आई स्पीक इंग्लिश, स्पीक क्या है एक्शन कुछ वर्ड है इसलिए वर्ब हो गया, ही सिंग से सॉन्ग वो गीत गाता है एक्शन क्या है सिंग्स गाने वाला कहते हैं वर्ब। ओके सो वर्ब, इसके बाद आपका आएगा एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, द वर्ड विच मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन और ए प्रोनाउन और एन इंटरजेक्शन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़ के जो उससे शब्द की विशेषता बदलाए उसे एडवर्ब कहते हैं। दूसरे वर्ड में यूं कह लीजिए द वर्ड विच मॉडिफाइज स्पेशली वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड जो किसी वर्ब की एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बदलाएगा उसे कहेंगे एडवर्ब। फाइन, एग्जांपल, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीक्स फ्लुएंटली, फ्लुएंटली स्पीक्स, तो स्पीक्स वर्ब है विशेषता का मतलब है फ्लुएंटली, ये हो गया एडवर्ब। ओके, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन, वेरी फाइन। ओके, वेरी क्या है फाइन किस मतलब रहा है, तो फाइन वहां पर यहां पर क्या है एडजेक्टिव है और वेरी उसके लिए आया जो कि एडवर्ब है। गीता इज वेरी गुड गर्ल, गीता इज वेरी गुड कह सकते हैं, तो वेरी क्या है गुड की विशेषता बता रहा है, यानी गुड क्या है एडजेक्टिव है, विशेषता बताया वेरी ने, इसलिए वेरी क्या हो गया एडवर्ब। कभी कभी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा, जैसे आई एम फुली एंड फाइनली, आई एम फुली एंड फाइनली हैप्पी, ओके मैं पूरी तरह से खुश हूँ। ओके, फुली एंड फाइनली, फुली भी एडवर्ब है और फाइनली भी एडवर्ब है, फुली जो फाइनली विशेषता बता रहा है। ही रिप्लाइड द, ही रेस्पॉन्डेड माई क्वेश्चन फुली एंड फाइनली, फुली फाइनली, फुली और फाइनली दोनों के साथ आ गए, फुली भी एडवर्ब और फाइनली भी एडवर्ब, इसका मतलब क्या हो गया, हो गया दोनों ही एडवर्ब। ओके, ये था एडवर्ब। के बाद वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन से मिलकर के वर्ड बना प्रीपोजिशन। प्री माने होता है बिफोर यानी पहले, पोजिशन में होता है प्लेस यानी जगह, अर्थात द वर्ड विच इज यूज बिफोर अ वर्ड सिंपली नाउन और प्रोनाउन एंड इट शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इन अदर वर्ड सिंपली अ वर्ड विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, यानी वह शब्द जो किसी शब्द के पहले प्रयोग होगा और उस शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से करेगा, विशेषकर ये दोनों शब्द नाउन होंगे, यानी किसी नाउन के पहले वर्ड आएगा और किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसकी विशेषता उसका संबंध कर देगा, इसे कहेंगे हम प्रीपोजिशन। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम क्या है इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल राम, हाँ राम की बात कर रहा है किसको टू स्कूल, यानी राम का संबंध किससे कर रहा है स्कूल से कर रहा है, कौन कर रहा है टू राम टू, अगर दिख रहा हो तो देखिए आप राम टू स्कूल हम कहते हैं शॉर्ट में, अगर होना चाहिए था राम गोज टू स्कूल, यहाँ राम कहो यहाँ स्कूल कह रहे हैं, यानी स्कूल नाउन है राम भी नाउन है, अब इसको निकाल दे क्या बचेगा राम कहाँ जा रहा है स्कूल को जा रहा है, यानी टू जो है वो राम का संबंध स्कूल से कर रहा है, इसलिए टू एडवर्ब हो गए। फाइन, और आई मेट ए गर्ल विथ ए बास्केट, आई मेट ए गर्ल विथ ए बास्केट, गर्ल विथ ए बास्केट, गर्ल विथ ए बास्केट, तो गर्ल क्या है और द बास्केट क्या है, बास्केट नाउन है और गर्ल भी नाउन है, विथ उसके बीच में प्रीपोजिशन आया जो कि संबंध किसे कर रहा है बास्केट संबंध किसे कर रहा है गर्ल से कर रहा है, इसे विथ क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया।
आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, आई फ्रॉम स्कूल, यानी मेरा आई का किससे हो रहा है, स्कूल से हो रहा है, किससे हो रहा है, फ्रॉम के द्वारा, फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ओके, बहुत सारी पोजिशन है और एडवांस इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम आगे आएंगे जब एडवांस इंग्लिश पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कैसे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कमीशन दृष्टि से टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, सब में वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम एडवांस इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अभी हम आप क्या कर रहे हैं, केवल परिचय दे रहे हैं किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फाइन। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन आता है, द वर्ड विच ज्वाइंस एटलीस्ट टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड समटाइम्स क्लॉजेस इज कॉल्ड ए कंजंक्शन। यानी कि ऐसा शब्द जो कम से कम दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा उसे कहेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, शब्द कह सकते हो, जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है, फाइन। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है, जोड़ रहा कौन, एंड, राम एंड श्याम, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। इफ यू रीड वेल कॉमा यू विल पास, इफ यू रीड वेल यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तुम पास जाओगे, इफ जोड़ रहा किसको, यू रीड और उधर यू विल पास, किसे जोड़ा, इफ ने जोड़ा, क्या हो गया, कंजंक्शन। गीता इज गुड बट राधा इज बैड, गीता इज गुड एक सेंटेंस है, दूसरा यहाँ पर क्लॉज क्लास ले लो, गीता इज ए गुड गर्ल, क्लॉज हो गया, उधर राधा इज ए बैड गर्ल, किसे जोड़ा, बट राधा इज ए बैड गर्ल, राधा इज ए गुड गर्ल बट गीता इज ए बैड गर्ल, तो गीता इज ए बैड गर्ल और उधर राधा इज ए गुड गर्ल, दोनों का जोड़ा कौन, बट, से बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, फाइन। इस तरह से आपका हम बात किए कंजंक्शन की। अब इसके बाद करते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। द वर्ड विच शोज सम सर्टेन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। सिंपली एन अ वर्ड विच शोज एन एक्सक्लेमेशन, सॉरी, द वर्ड विच शोज एन एक्सक्लेमेशन इन द फॉर्म ऑफ अटमोस्ट प्लेजर, पेन, हेट, कंटेम्प्ट, सरप्राइज एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। यानी वह शब्द जो अत्यधिक घृणा को, नफरत को, प्रेम को या उपेक्षा को शो करता है, दूसरे वर्ड में जो आश्चर्य को शो करता है, चाहे किसी भी सेंस में हो, चाहे वो प्रेम के रूप में हो, चाहे घृणा के रूप में हो, चाहे क्या कहते हैं उसका, नफरत के रूप में हो, सीखेंगे इंटरजेक्शन, फाइन। हेलो, हाउ आर यू, हेलो शो करा है, आश्चर्य शो करा है, क्या हो गया, इंटरजेक्शन। हाय गीता, हाउ आर यू, हाय, हाय क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। अलास ही डाइड, अलास ही डाइड, दुख अफसोस वो मर गया, अलास क्या शो किया, आश्चर्य शो किया ना दुख के रूप में, ऐसे ब्रेवो यू टॉप द क्लास, शाबाश आप दो पूरी कक्षा में प्रथम आए, पूरे टॉप कर गए, तो शाबाश के रूप में क्या प्रेज हुआ, किसके द्वारा, ब्रेव के द्वारा, कि ब्रेव क्या हो गया, हो गया क्या, हो गया आपका इंटरजेक्शन, फाइन। ये था आपका इंटरजेक्शन। एंड फाइनली वी हैव द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की इतना से कुछ खास नहीं है, इतना जानिए द वर्ड्स ए एन एंड द, ए एन एंड द, दीज थ्री वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, एक्चुअली दे आर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ए एन और द, ये तीन वर्ड जो है इंग्लिश ग्रामर में कहे जाते हैं या माने जाते हैं, जाने जाते हैं आर्टिकल के रूप में, वास्तव में वो ये तीनों वर्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, इसी कारण इसी को कहते हैं हम आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल चैप्टर थोड़ा छोटा देखने में लगता है लेकिन है बहुत काम का, बहुत बहुत विस्तृत है इसका, आगे बढ़ाएंगे हम आपको, अभी हम आपको केवल परिचय दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन सारे पार्ट्स यूज का दिया। नाउन क्या है, शॉर्ट में फिर से जान लीजिए, नेमिंग वर्ड इज नाउन, राम श्याम गीता, फ्रॉम क्या है, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल, डेली ही इज द प्रोनाउन, एडजेक्टिव
the word qualifies a noun pronoun, like he is a good boy, good adjective. Fine, boy ki rishta bulaya, adjective. Ke baad verb, action word simply. He writes letter, writes action word. He goes to school, goes action word. This is verb. Again we have adverb that modifies, the word which modifies verb, adjective or another adverb simply. Adverb, he is very good, he is very good. Very good ki rishta bulaya, iste very kya ho gaya? एडवर्ब हुआ. ही स्पोक फ्लुएंटली, बहुत धारा प्रवाह बोला, धारा प्रवाह बोला, बोलने की स्टाइल कैसी थी? धारा प्रवाह. एडवर्ब हुआ जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है. किसकी? स्पोक की. किस कौन? फ्लुएंटली. इसलिए वो एडवर्ब हुआ. वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ. उसके बाद आपको हो रहा है प्रीपोजिशन, वर्ड कमिंग बिफोर सम वर्ड एंड टेलिंग इस रिलेशन विद सम अदर वर्ड, इसको प्रीपोजिशन. ओके, सिंपली the word shows which shows relation afterwards, especially their nouns. जो शब्द किसी दूसरे शब्द के पहले आए, विशेष को नाउन प्रोनाउन हो, उसका संबंध किसी दूसरे से करे, उसे कहते हैं प्रिपरेशन. राम गोज टू हिज प्रिपरेशन. यू केम फ्रॉम इंग्लैंड, राम इंग्लैंड केम फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के पहले फ्रॉम आया, ये हो गया प्रीपोजिशन. उसके बाद कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड इज कंजंक्शन. Like Ram is a good boy and Sam is good boy. Sam is a bad boy. Ram is a good boy but Sam is a bad boy. Bad क्या है? वो भी कंजंक्शन हुआ. ओके, इफ यू रीड विल पास, परफेक्ट पास जाओ. इफ क्या है? इफ यू रीड वगैरह, किसको? यू रीड और विल पास कुछ वगैरह है, किस कौन? इफ कंजंक्शन हो गया. फाइन, ये था आपका कंजंक्शन. तो आप इंटरजेक्शन, द वर्ड विच शोज एक्सक्लेमेशन, जो कि आश्चर्य को शो करेगा, उसे कहेंगे हम इंटरजेक्शन. अलास ही डाइड, ब्रेवो यू टॉप द क्लास, ब्रेवो यू टॉप द ब्रेवो वर्ड इंटरजेक्शन. अलास इंटरजेक्शन. हेलो हाउ आर यू, हेलो इंटरजेक्शन. फाइन, ये था आपका इंटरजेक्शन. एंड फाइनली ऑफ द आर्टिकल्स, ए एन एंड द, दीज थ्री वर्ड्स आर नोन एज आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. एक्चुअली दे आर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ए एन और द को आर्टिकल के रूप में जाना जाता है. वास्तव में ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वास्तव में डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ये था आपकी शॉर्ट में आपका पूरा परिचय, मैंने ओरल आपको दिया. रिटर्न लिखने के लिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है. आई एम वेरी सॉरी. इफ आई गेट टाइम आई विल मेक बेटर वीडियो इन डिटेल, बट ड्यू टू लाइट प्रॉब्लम सिंपली आई इंट्रोड्यूस दिस इन शॉर्ट इन ब्रीफ ओरली. If you like my video, if it is okay, no problem. Otherwise, if you demand, I'll make the same again. Okay? So, anyone who is viewing my channel or video for the first time, and if you want my videos for the first time, first reach you, so subscribe my channel, like, share, and comment. Now, that's enough. Till I provide you or give you other video, and you just keep on laughing, smiling, and reading and practicing more and more. So now, bye bye, see you, take care.